हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स और हम करें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। तो उसमें आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में काफ़ी लेक्चर हुए हैं। ये थ्योरम का जो भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड थ्योरम है वो अब ये लास्ट है हमारा लॉरेंज एक्सपेंशन, ठीक है। अब जो एक दो वीडियो हम मैं बनाऊंगा जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बेस पे हम एक दो लेक्चर होंगे, उसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन यहीं पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है तो ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल जो हमारा है वहाँ पर जाके आप ज्वाइन करिए। और हमारा एक यूट्यूब चैनल है AST फैन क्लब, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ पर आपके जो डिस्कशन है क्वेश्चन जो आपके इश्यू होते हैं वहाँ पर उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूछा भी गया है और काफ़ी इसका यूजफुल हम करते हैं जब आप हायर मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करने जाएंगे। तो लॉरेंज थ्योरम के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे हम आज? हम बात करेंगे लॉरेंज थ्योरम के बारे में। तो इसको कई तरह से आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। पहला ये कि स्टेट एंड प्रूफ लॉरेंज थ्योरम, अगर ये पूछ दिया तो पूरा ये अभी तो जो आपको स्टेटमेंट दिए केवल स्टेटमेंट है, लॉरेंज थ्योरम का केवल स्टेटमेंट है इतना बड़ा, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट सब याद रखना पड़ेगा। बाई लक, अगर आपका लक अच्छा रहा तो ये स्टेटमेंट आपको ये क्वेश्चन के तौर पे मिल जाएगा, आपको ये प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा। देखिए 2013 और 18 में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं लॉरेंज थ्योरम क्या होता है। पहले स्टेटमेंट हम देखेंगे, लॉरेंज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। इफ अ फंक्शन एफजेड इज एनालिटिक इन एनालस रिंग शेप रीजन, देखिए पहले समझ लीजिए ये क्या होता है। एनालिसिस होता है, ये हमारा कोई सर्किल है और एक उसके अंदर एक और सर्किल है, तो इस सर्किल का हमने नाम देते हैं सी देते हैं, इसका हमने नाम दिया C1। और ये जो रीजन है ये हमारा क्या है, एनालिसिस होता है। ओके, क्या है, एनालिसिस होता है, ये हमारा रीजन जो है एनालिसिस होता है। सही से आप बना लीजिएगा, मिला हुआ सही नहीं बन पाया है। तो कह रहा है एफजेड इज एनालिटिक इन एनालिस रिंग शेप रीजन, इसी शेप में है, बिटवीन टू कंसेंट्रेटिक सर्किल सी एंड C1। तो हमने एक सर्किल, दो कंसेंट्रेटिक सर्किल लिया, एक सी और उसके अंदर एक सर्किल लिया C1, ठीक, विथ सेंटर एट द पॉइंट जेड बराबर ए, जिसका सेंटर जो है वो क्या है, ए है, एंड रेडियाई आर एंड R1, जहां R बड़ा है किससे, R1 से, रिस्पेक्टिवली रेडियस R एंड R1, R ग्रेटर देन R1। देखिए यहां पर सेंटर हमारा A है और ये जो रेडियस है वो हमारा क्या है, कैपिटल R है, और ये जो रेडियस है वो हमारा क्या है, ये R1 है, ठीक है। यहां ले लिया हमने रिस्पेक्टिवली, मतलब जो सी का रेडियस है वो हमारा आर है और जो C1 का रेडियस है वो R1 है, और आर जो का रेडियस जो है ग्रेटर देन R1 है। देन एट एनी पॉइंट ऑफ एनालिस, हमने यहाँ से एक पॉइंट, कोई पॉइंट इस एनालिसिस से आप ले लें जेड, ठीक है, देन एफ जेड इजकल टू समेशन जेड बराबर 0 to ∞ (a)(n)(z−a^(n) प्लस समेशन n बराबर 1 to ∞ (bn) (z−a^(-n)। देखिए और वेयर an का दिया है 1/2 π/8 इंटीग्रल fww−an+1 w अलॉन्ग द कर्व c, n कहाँ से शो रहा है, 0 to 1, 2, 3। bn क्या है 1/2 π/8 इंटीग्रल fw/w−a- है, यहाँ पर देखिएगा −n+1 w अलॉन्ग द कर्व सी, यहाँ पर एन की जो वैल्यू है 1 से स्टार्ट लेना है आपको, ठीक है। मतलब ये बोला जा रहा है कि दो कॉन्सेंट्रेटिक सर्किल है, एक सी है और उसके अंदर क्या है, C1 है, सी का रेडियस आर है और C1 का रेडियस क्या है, R1 है, और इसका सेंटर क्या है, ए है। कह रहा है इस एनालिसिस में जेड, एनालिसिस में कोई भी पॉइंट आपने लिया जेड, तो देन इसकी ये क्या हो जाएगा, इसका
स्मॉल आर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कह रहा है कि देन एफ जेड इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन आएगा ए एन जेड माइनस ए के पावर में एन है, यहाँ पर बी एन है जेड माइनस ए के पावर माइनस एन है, और ये वेयर ए एन और बी एन ये दिया है, ठीक है। तो ये आपका रहा स्टेटमेंट कि कोई एक एफ जेड है जो दो कंसेंट्रेटिक मतलब दो सर्किल के अंदर जो एनालिसिस फॉर्म करता है शेप में, रिंग शेप में, वहाँ पर वो एनालिटिक है और वो सब चीज़ गिवन है आपको। वही एफ जेड इज इक्वल टू ये राइट साइड जो दिख रहा है प्रूव करना है वेयर ए एन है और ये वी एन है। तो देखिए टेलर्स थ्योरम हमने पढ़ा था, हाँ, उसके बाद हमने इसमें क्या क्या यूज होने वाला है ये आप समझ लीजिए, कांची इंटीग्रल फार्मूला का हम इसमें बहुत अच्छे से यूज करने वाले हैं। तो देखिए स्टेट एंड प्रूफ कहता है तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट याद चाहिए, आपको पूरा ये सब लिखना पड़ेगा। अगर केवल ये क्वेश्चन आपको दे दिया तो आप डायरेक्टली इसके प्रूफ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे हम लॉरेंस थ्योरम को कैसे हम प्रूफ करने वाले हैं। तो देखिए लॉरेंस थ्योरम को कैसे हम प्रूफ करते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे हम इस थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं। थोड़ा सा प्रूफ इसका क्या है, लेंदी है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी होगा, बट कोई नहीं, देखते हैं। लेट एफ जेड बी ए एनालिटिक इन द रिंग शेप रीजन बाउंडेड बाई टू कंसेंट्रेटिक सर्किल सी एंड सी वन। एक हमारा ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, एनालिटिक है इस रिंग शेप रीजन में, जिसका फर्स्ट जो बड़ा सर्किल है वो आउटर सर्किल है वो सी है, और इनर सर्किल जो है सी वन है, और जो हमारा आउटर सर्किल है इसका रेडियस आर है, और ये जो इनर सर्किल है उसका हमारा रेडियस क्या है, आर वन है। सेंटर क्या है हमारा, ये यही हमने एक डेट पॉइंट लिया है, रेंडमली लिया है एनालिसिस में। तो यहाँ पर देखेंगे आप द सेंटर ए एंड रेडियस क्या है उसका, रेडियस आर एंड आर वन रिस्पेक्टिवली, आर वन आर क्या है, आर वन से बड़ा है। अब इस जेड से सेंटर का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, मार्ड जेड माइनस ए इजकल टू आर, क्या होगा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, मार्ड जेड माइनस आर होगा। देन आर जो है आर वन से बड़ा होगा और आर से क्या होगा छोटा होगा, यानी आर जो है स्मॉल आर जो है इनके बीच का पॉइंट होगा। इफ जेड इज एनी पॉइंट विद इन द एनलस देन बाई कांची इंटीग्रल फार्मूला फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन। कांची इंटीग्रल फार्मूला में एक मल्टी कनेक्टेड फार्मूला होता है, मतलब मान लीजिए एक सर्किल के अंदर दो एक और सर्किल है तो दोनों के लिए कुछ करते नहीं है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है उसमें। मल्टी कनेक्टेड जो फार्मूला होता है कांची इंटीग्रल का, मान लीजिए हमारे पास दो सर्किल हैं कंसेंट्रेटिक सर्किल हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, बड़े सर्किल का जो हमारा कांची इंटीग्रल फार्मूला है उसको लिख लेंगे, और माइनस करेंगे जो हमारा इनर उसके अंदर जो सर्किल है उसका कांची इंटीग्रल फार्मूला, बस इतना ही अंतर है। तो वही मल्टी कनेक्टेड जो हमारा कांची इंटीग्रल फार्मूला होगा, देखिए एफ ए इजकल टू क्या होगा, वन बाई टू पाई ओटा इंटीग्रल एफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस जेड डी जेड माइनस, ये देखिए अलॉन्ग द कर्व अलॉन्ग द सर्किल किसके लिए, जो आपका ये आउटर सर्किल है उसके लिए कांची इंटीग्रल फार्मूला ये है, और जो इसके अंदर हमारा जो सर्किल सी वन है इनर सर्किल है उसके लिए मैंने कांची फार्मूला क्या कर दिया, यहाँ पर माइनस कर देंगे, यही मल्टी कनेक्टेड रीजन हो जाएगा कांची इंटीग्रल फार्मूला का। तो क्या कर देंगे, माइनस टू पाई आयोटा इंटीग्रल एफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस जेड डी जे अलॉन्ग द सर्किल सी वन, और यहाँ पर क्या है सी, यानी सी में से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे एफ एस कर टू, ये हमारा मल्टी कनेक्टेड कांची इंटीग्रल फार्मूला है। यहाँ तक आपका हो गया स्टेटमेंट, भी आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो आप एक बार स्टेटमेंट जो है इसका नोट कर लीजिए, और प्रूफ में यहाँ तक हम आगे कंटिन्यू करें। थोड़ा सा लंबा है इसका प्रूफ, लेंदी है, बट कोई नहीं, अब बस कुछ करना नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। तो जो नोट कर लीजिए, यहाँ के बाद से मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, और बाकी सब मैं इसको क्या करूँगा, रफ कर दूँगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट इसमें आगे हम देखते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया था कांची मल्टी कनेक्टेड जो रीजन का फार्मूला हमने यूज़ किया, यहाँ तक हमने प्रीवियस में देख लिया था कि एफ एस कल्टी वन टू पाई आटा एफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए डी जेड माइनस वन बाई टू पाई आटा इंटीग्रल एफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस ए डी जेड अलॉन्ग द सर्किल सी वन है, यहाँ पर सी है। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा जो स्टेटमेंट है उसमें ये क्या दिया था, एफ जेड इज कल टू समेशन एन बराबर जीरो टू ए एन जेड माइनस ए के पावर एन प्लस समेशन एन बराबर वन टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस वन के पावर माइनस वन, वेयर एन इजकल टू क्या था, ए एन इजकल टू क्या था,
ए एन इजकल टू क्या, हमें लिख, मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको ये दिखेगा, ए एन इजकल टू क्या, 1/2 pi iota एफ डब्लू है, क्या है एफ डब्लू है, डब्लू माइनस ए एन के पावर एन प्लस वन डी डब्ल्यू, और बी एन क्या 2 pi iota अलॉन्ग द कर्व सी वन एफ डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू माइनस ए माइनस एन प्लस वन डी डब्ल्यू। तो हमारे ये कांचिन के फॉर्म, पहले बात हमारे जो स्टेटमेंट में प्रूफ करना है लेफ्ट साइड में वो जेड है, तो इस फार्मूले में हम क्या करने वाले हैं, ए के जगह पे हम क्या रिप्लेस करने वाले हैं, ए के जगह पे हम जेड को रिप्लेस करने वाले हैं, और यहाँ पर देखिए एन के जगह पे, ए एन के जगह पे यहाँ पर एफ जेड के जगह पे क्या है डब्लू है, क्या है डब्लू है, तो यहाँ पर ए के जगह पे जेड को और जेड के जगह पर रिप्लेस करें हम डब्लू को, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देखिएगा, यहाँ तक हमने पीछे कर चुका था कांची मल्टीकल मल्टी कनेक्टेड जो हमारा फार्मूला था उसका था, इस फार्मूले में हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना है एफ जेड में, तो हम यहाँ पर एफ एम फार्मूला होता है, तो ए को रिप्लेस करेंगे जेड से, और फिर ए एन और बी एन में देखेंगे आप जेड के जगह पे डब्लू है, तो हम रिप्लेस करेंगे जेड के जगह पे डब्लू को। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये इसके बाद स्टेप ये आने वाला है, तो देखिए नेक्स्ट इसमें आगे, अब हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया ए के जो वो जेड से, जेड को डब्लू से, तो आप जेड इजकल टू 2 pi iota इंटीग्रल एफ एफ डब्ल्यू डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू माइनस 1/2 pi iota एफ डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू। अब थोड़ा सा इसमें चेंज करने वाले क्या, इस डी माइनस डब्ल्यू को हम जेड माइनस डब्ल्यू कर दें, जेड माइनस क्या कर दें डब्ल्यू कर दें, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बस इतना ही चेंज है। इसको आप करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट करेंगे, क्या करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं, ठीक। नेक्स्ट इसमें देखिए, अब हम क्या करते हैं, जो हमारा एफ जेड है ये लाइन, ये लाइन जो है इसमें हम जो डब्ल्यू माइनस जेड है इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, इसको हम लिखेंगे डब्ल्यू माइनस ए प्लस ए माइनस जेड, देखेंगे ए से कैंसिल होगा डब्ल्यू माइनस जेड ही आएगा, क्यों किया जा रहा है क्योंकि प्रूफ में देखिए डब्ल्यू माइनस ए है, ठीक है। तो यहाँ हमने डब्ल्यू माइनस जेड को जगह पे हमने डब्ल्यू माइनस ए प्लस ए माइनस जेड रख दिया, कैंसिल होकर वही आएगा। इस लाइन में भी, इस लाइन के बाद हम जेड माइनस ए प्लस जेड माइनस ए प्लस ए माइनस डब्ल्यू करेंगे, कैंसिल हो जाएगा ए से, फिर से वही स्टेप आ जाएगा। तो इस स्टेप के बाद ये थोड़ा सा इसके डिनोमिनेटर में हमने एडजस्ट किया हुआ है। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में यहाँ से देखिए एफ जेड इजकल टू 2 pi iota इंटीग्रल एफ डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू माइनस ए, हमारा ये हो गया, और जेड माइनस ए किया हमने, यहाँ पर माइनस कर दिया डी डब्ल्यू 1/2 pi iota, और यहाँ पर देखेंगे जेड माइनस ए, और फिर यहाँ पर डब्ल्यू को पहले लिख के यहाँ माइनस कर दिया गया, तो डब्ल्यू माइनस ए हो जाएगा डी डब्ल्यू, ओके। अब हम क्या करेंगे, अगेन इस लाइन के बाद, इस स्टेप के बाद हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों में W माइनस ए कामन लेंगे, तो यहाँ वन बचेगा और जेड माइनस ए को डिवाइड कर देगा W माइनस, जिसको कहते हैं जबरदस्ती कामन लेना, ठीक है। अब इस स्टेप में क्या लेंगे, जेड माइनस ए कामन ले लेंगे, तो हमारा वन माइनस W माइनस ए डिवाइड बाई जेड माइनस ए हो जाएगा, ओके यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 1 माइनस जेड माइनस डिवाइड बाई डब्ल्यू माइनस ए को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये पावर में माइनस में हो जाएगा, यहाँ भी वही हाल है, यहाँ भी ले जाएंगे तो पावर में माइनस हो जाएगा। तो एफ जेड इजकल टू 1/2 pi iota इंटीग्रल 1/w माइनस ए 1 माइनस जेड माइनस ए डिवाइड बाई डब्ल्यू माइनस ए के पावर माइनस 1 एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू, सेम यहाँ भी लिख देंगे। इसको करेंगे हम इक्वेशन नंबर क्या करने वाले हैं, टू करने वाले हैं। अब यहाँ के बाद से आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा बाइनोमियल में, 1 - x^-1 का एक्सपेंशन क्या होता है, 1+x + x²+x³+x⁴ एंड सो ऑन, ये आपने फार्मूला पढ़ रखा है। अब क्या करेंगे, इसको हम इस फार्मूले पे ओपन करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ओपन करने वाले हैं, ठीक है। तो ओपन करेंगे तो क्या क्या आएगा, कैसे इसको हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आप यहाँ तक आप नोट कर लिए, इक्वेशन टू तक नोट करिए, इसके बाद हम ये फार्मूले को यूज़ करेंगे, इसको भी आप यहाँ पर राइट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद इस फार्म, इस एक्स जो आपका 1 - z - w है,
इसको हम क्या करेंगे, इस फार्मूले पे ओपन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडजस्ट करेंगे, ताकि हमारा जो प्रूफ करना है ये लाइन ये आपको मिल जाए। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए, आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें आगे नेक्स्ट देखिए, ये हमारा था इक्वेशन नंबर 2 था, एफ जेड इज कल टू 2 / 2 π/r 1 / w - z 1 - z - a डिवाइड बाई w - 1 - 1 f(w(dw)(1/2π/r 1 / z - a 1 - w - a / z - a k^-1 f(w(dw)। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, इसलिए एफ जेड को ये पूरे जो एक्सप्रेशन आ रहा है इसको यहाँ से यहाँ तक हमने मान लेते हैं आई वन। क्या मान लेंगे? आई वन मान लेते हैं, और इस एक्सप्रेशन को दो पार्ट में हम सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है इजी हो जाएगा। इसको हमने मान लिया एक्सप्रेशन को आई टी इसको मान लिया हमने, आई टू मान लिया, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब ये हमारा यहाँ से हमारा आई वन है, तो इसको हमने यहाँ पर राइट कर दिया, और आपको बताया गया था फार्मूला ये 1 - x^-1 का 1 + x, 1 + x² 1 + x³ ऐसे आंसर। उस फार्मूले को, इस एक्सप्रेशन को, इस फार्मूले पे ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ का मैं आई वन अभी इतना पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, आई वन को सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से 1 - w - a और इसको ओपन करिए इस फार्मूले पे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, 1 - w a को इसमें हम क्या करेंगे, पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई वन इसकल टू क्या मिलेगा, 1 / 2π/r इंटीग्रल 1 / w - a, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे z - a डिवाइड बाई w a - दोनों हो जाएंगे स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो z - a का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा w - a^3 f(w)dw यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद आप क्या कर देंगे, हम इंटीग्रल क्या कर देंगे, इंटीग्रल को अंदर ले जाएंगे और f(w) और dw से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 / 2π/r। ये देखिए w - a है, तो w - a और f(w) से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रल f(w)/w - a dw, ये पार्ट आ गया। इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो z - a f(w) और z - a का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर ना, तो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट आगे टर्म आएगा, अब हम क्या करने वाले हैं, अब 2 / 1 / 2π/r से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा एक्सप्रेशन। उसके बाद z - a को बाहर रखते हैं, ये आपको मिल जाएगा एक्सप्रेशन। उसके बाद z - a का स्क्वायर आएगा, उसके बाद इसे कंटिन्यू आता रहेगा। अब इसको समेशन के फॉर्म में कैसे लिखने वाले हैं, समेशन लगा दीजिए। देखिए कैसे लगा रहा हूँ मैं समेशन, यहाँ पर हमने समेशन लगा दिया, यहाँ पर समेशन लगा दिया, यहाँ पर z - a यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, आगे 3 आएगा, 4 आएगा। तो z - a^4 हमने क्या कहा, समेशन कहाँ शुरू करेंगे, n = 0 to ∞ z - a^n लगा देंगे। इसमें ये सब में आ रहा है कॉमन 1 / 2π/r f(w)dw, तो इसको आप ऐसे राइट कर दीजिए, डिनोमेटर में w - a आ रहा है, w - a का होल स्क्वायर w - a^3। तो देखिए समेशन को होल, ये जो आपने समेशन यहाँ पर राइट किया है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर n रख देंगे, n+1 नहीं रखेंगे, तो जब n = 0 लेंगे तो इस प्रॉब्लम हो जाने लगेगा। और यहाँ पर क्या रखेंगे, n = 0 दे, तो ये यहाँ पर w - a फर्स्ट टर्म से गायब हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर w - a^4 में हम n+1 रखेंगे ताकि पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई करें, पूरे एक्सप्रेशन को टर्म बाई टर्म आता रहे। तो इसका मतलब यह है I1 जो हमारा ये पार्ट था इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया समेशन n = 0 to ∞ z - a^n 1 / 2π/r इंटीग्रल f(w)/w - a^n+1 dw। ठीक है, अब ये पूरे एक्सप्रेशन को, यहाँ जो ये एक्सप्रेशन है इसको हम मान लेते हैं क्या, an मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, an मान लेते हैं। तो I1 = n = 0 to ∞ z - पूरे मान लिया an z - a^n, इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 where an = this। और देखिए पहला हमने टास्क अपना पूरा कर लिया है, ये हमारा एक टर्म आ चुका है। ठीक है, और an = भी हमारा ये टर्म आ गया है, I1 की वैल्यू से हमारा ये टर्म आ गया है। तो कम्प्लीटली हमने I1 फाइंड कर लिया, अब हम जाएंगे I2 को फाइंड करेंगे जैसे I1 को हमने फाइंड किया है। ठीक है, तो वीडियो स्टॉप करके इसको नोट कर लिए अच्छे से, लेंदी बड़ा है, ज़रूर बड़ा है, लेकिन जो इसका जो कंसेप्ट है बहुत सिंपल है, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप अगर कर रहे हैं तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा।
ओके, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, हम आई टू को अब क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं, हमने यहाँ तक आई वन को एक्सपेंड करके मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आई वन हमारा ए एन जेड माइनस ए के पावर एन, इक्वेशन फोर को हमने किया था, ए वे एन इज ए एन इज इक्वल टू 1/2 पाई आवटा एफ डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू माइनस ए एन प्लस वन डी डब्ल्यू, यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इस टर्म को आई टू को क्या करने वाले हैं, हम अब एक्सपेंड करेंगे। आई टू को हमने यहाँ पर लिख दिया, और ये जो 1 - W माइनस ए है डिवाइड बाई आपका यहाँ पर क्या है, W माइनस ए डिवाइड बाई जेड माइनस ए के पावर माइनस वन है, उसको फार्मूले पर हमने एक्सपेंड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, अब इस को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1/2 पाई ओटा से जेड माइनस ए से एफ डब्ल्यू से डी डब्ल्यू से, पूरे एक एक टर्म में हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म जो आएगा 1 / z - a 1/2 पाई ओटा इंटीग्रल, ये 1 में मल्टीप्लाई करेंगे एफ डब्ल्यू से तो ये आ जाएगा। सेकेंड टर्म में जाइए आप, तो यहाँ पर जेड माइनस ए है, जेड माइनस ए पहले बात स्क्वायर कर लीजिए, 2 पाई ओटा आ गया यहाँ पर, और ये डब्ल्यू माइनस ए ये वाला, और ये डब्ल्यू डी डब्ल्यू। उसके बाद थर्ड जो आ रहा है हमारा जेड माइनस ए के पावर, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जाएगा जेड माइनस ए के पावर 3 1/2 पाई आयोटा सी वन डब्ल्यू माइनस ए का स्क्वायर एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू, एक समेशन आ गया। अब इसको समेशन के फॉर्म में यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, तो देखेंगे जेड माइनस ए यहाँ आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, डिवाइड में है, तो समेशन जेड माइनस ए के पावर एन लगा देंगे। एन कहाँ से है, एन बराबर 1 से इन्फिनिटी तक बैरी कर रहा है, 2 पाई ओटा और एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू तो कॉमन है तो आ ही जाएंगे। बच गए आपका यहाँ पर डब्ल्यू माइनस ए स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर है नहीं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। और ये भी ध्यान रखिएगा एन कहाँ से शुरू हो रहा है, एन बराबर 1 से शुरू हो रहा है, पहले स्टेप में एन गायब, डब्ल्यू माइनस ए यहाँ पर नहीं है। अब आपको फार्मूले में यहाँ पर दिखेगा, लाना पड़ेगा डब्ल्यू ए माइनस के पावर माइनस एन प्लस वन। तो हम क्या करें, अब यहाँ पर W माइनस ए के पावर हम N माइनस वन कर दें, और N बराबर 1 जब स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो फर्स्ट टर्म में इसका जीरो आ जाएगा, आ जाएगा। 2 रखोगे तो सेकेंड टर्म में यहाँ पर W माइनस ए आ जाएगा, 3 रखोगे W माइनस ए का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ समेशन के फॉर्म में हमने लिख दिया, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और इस पूरे एक्सपेंशन को हम बी एन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ले सकते हैं बी एन के फॉर्म में, इसको हम पूरे इसका नाम दे दिया बी एन। तो समेशन एन बराबर 1 - बी एन जेड माइनस ए के पावर माइनस वन माइनस एन, और यहाँ पे हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 5। अब आप जो को करना ये है कि इन दोनों की वैल्यू, आई टू की वैल्यू और आई वन की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 3 में आपको रख देना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर रखने के बाद एफ जेड इजकल टू जेड एन बराबर 0 - इन्फिनिटिव ए एन जेड माइनस ए के पावर एन समेशन एन बराबर 1 - इन्फिनिटिव बी एन जेड माइनस ए के पावर माइनस वन वेयर ए एन और बी एन। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि बी एन ये कैसे आएगा, तो जेड माइनस ए को जब न्यू मल्टर में ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका माइनस वन माइनस एन प्लस वन आ जाएगा। यहाँ पर आप बी एन थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, जब आपको जेड माइनस ए को न्यू मल्टर में ले जाएंगे एफ डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू माइनस ए तो एन निगेटिव हो जाएगा, और प्लस वन क्या माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, जो यहाँ पर राइट किया गया है। तो इसको नोट कर लीजिए, ये था आपका लॉरेंज एक्सपेंशन, आप इसको लॉरेंज थ्योरम भी बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन था, बट कोई नहीं, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी थ्योरम हमने किया है, जैसे टेलर्स थ्योरम, लॉरेंज थ्योरम, हाँ काची थ्योरम, काची इंटीग्रल फॉर्मूला जो भी किया है, उस पर एक एक क्वेश्चन हम लाएंगे आपके लिए जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा होगा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।